एमपी वाकई देश में सबसे अजब गजब राज्य है, जहां जिंदा व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए दर दर भटकता है तो वहीं मृत व्यक्ति को आवास योजना का लाभ दिया जाता है। ये मामला है प्रदेश के उमरिया जिले का, जहां पर मृत व्यक्ति के नाम पर आवास योजना देकर पंचायत का नाम रोशन किया जा रहा है। उमरिया जिले की जमीनी हकीकत ये है कि आदिवासियों का शोषण यहाँ आज भी जारी है, जबकि यहाँ के क्षेत्रीय विधायक और सांसद आदिवासी हैं और सरकार में मंत्री हैं, इसके बावजूद आदिवासियों का शोषण रुक नहीं पा रहा। मामला उमरिया जिले के ककरेली ब्लॉक के ग्राम पंचायत जराहा का है, जहां पर एक मृत व्यक्ति के नाम पर सीएम आवास योजना स्वीकृत कर दी गई और रोजगार सहायक ने मकान भी बनवा दिया। यहां तक कि जिन पात्र हितग्राहियों का नाम लिस्ट में होना था, उन लोगों का नाम न होकर मरे हुए व्यक्तियों के नाम से आवास स्वीकृत कर उसमें कमीशन का खेल खेला गया। मोर नाम है प्रेमिया, महीने के हूँ, मोर गांव के जरहा में माई के भी है, जरहा में ससुरार भी है। मोर बाबा या बड़ा बाप कहा मैं नहीं जानू जहाँ बनो हो मतलब बनो हो अपने से बनवाए दो अंगल आदमी जो जमीन खरीद हो वो बनवा ली सी। तो पंचायत वाले का कुछ करे नहीं? हमरे जानकारी नहीं जाना, पंचायत वाले बताए हम ही ना कुछ, हम नहीं जाने पैसा खा लेंगे का जाने का पैसा खा लेंगे का कर नहीं मालूम नहीं बना। उसका पुराना घर कहाँ पास है? ये पास है। आवास स्वीकृत हुआ था उसका ना? हाँ पता है कि आया। हाँ लेकिन बना नहीं। तो पैसा ऐसे खाया है? हमें जानकारी नहीं। डल्लू जिंदा है क्या? नहीं है। कब खत्म हुआ? अभी एक महीना बा खत्म हुआ। हाँ आवास आ गया चला गया। वहीं जब इस मामले को लेकर जिले के कलेक्टर से बात की गई तो उन्होंने जांच कर कड़ी कार्रवाई की बात कही। मृत व्यक्ति के नाम आवास स्वीकृत करना और उसको आवृत भी कर लेना निश्चित रूप से गंभीर बात है, धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है। इसकी मैं जांच कराता हूँ, यदि बात सत्य पाई गई तो जीआरएस के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी और धोखाधड़ी के एफआईआर भी की जाएगी। सर मामला जितना अजीबोगरीब है उतना ही गंभीर भी है कि आखिर किस प्रकार रोजगार सहायक ने कमीशन खाने के लिए मृत व्यक्तियों के नाम पर आवास स्वीकृत कर दिए। वहीं अब देखना होगा कि कलेक्टर के आश्वासन के बाद मामले में क्या कार्रवाई की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।